फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स क्रिएशंस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल लॉकडाउन पीरियड चला हुआ है और सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। तो मैंने सोचा कि जो मैं आजकल कर रही हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं पेशे से एक टीचर हूँ, तो जो जॉब करने वाले होते हैं उन्हें बहुत कम टाइम लगता है अपने घर की साफ सफाई करने का, अपनी क्रिएशंस को नया मोड देने के लिए। तो आजकल जब लॉकडाउन पीरियड चला हुआ है, तो मैंने अपनी क्रिएशंस को नया मोड दिया हुआ है। बहुत सारी वेस्ट चीज़ों से मैंने बेस्ट बनाया हुआ है। तो मेरा मन हुआ कि मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करती हूँ। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ें थी वो थी मेरे बच्चों की टी शर्ट्स, मेरे हस्बैंड के वार्मर्स और बेडशीट्स और पुराने कर्टन। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी लाइवली कि मैंने उन चीज़ों से क्या क्या बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है मेरी मशीन और मैंने इसके ऊपर ये दो क्रोशिया के कवर रखे हुए हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली कवर नहीं थे पहले, लेकिन ये मेरी बेटी के श्रग्स थे, तो उसको ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं। तो मैंने क्या किया, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बताऊं। तो श्रग की ये बाजुएं मैंने यहाँ से जोड़ ली हैं आपस में, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो ये बन गया मेरा, देखिए कैसा कितना खूबसूरत ये दिख रहा है। मैं ऐसे इसको दिखाती हूँ और ये एकदम गोल्ड, चाहे इसको आप टेबल मैट की तरह यूज़ कर लें, चाहे आप इसको उड़ा लें किसी चीज़ पे। तो मेरा एक श्रग तो मैंने इसके ऊपर रख दिया है ये, और दूसरा श्रग मैंने अपनी मशीन के ऊपर ऐसे को उड़ा दिया है। तो ये दोनों मेरे पास बहुत प्यारी मेरा यूज़ हो गया है इनका। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ हो तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये दिखाऊंगी मैं आपको, ये मेरे हस्बैंड की टी शर्ट है फ्रेंड्स। तो ये है वार्मर, वैसे ये वार्मर है। तो इसको मैं देखो यहाँ से खोल के दिखाऊंगी आपको। ये मैंने ऐसे को निकाला, ये स्ट्रेचेबल होता है टी शर्ट का कपड़ा, हम सभी जानते हैं। ये देखें आप, ये मेरी मशीन और ये जो कपड़ा है ये देखें आप। तो ये मैंने बाजुओं से नीचे को काट लिया और मैंने सिर्फ यहाँ पे सिलाई दी हुई है और यहाँ पे, और नीचे की तरफ जो टी शर्ट की लाइन थी वो एज सच थी, जैसे ये देखिए। और ये किसी भी चीज़ का जो है वो कवर बन सकता है। ये देखिए कितना सुंदर और टिकाऊ और स्ट्रेचेबल है, पूरी मशीन कवर रहती है इससे। अब इसी टी शर्ट की और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो मैंने अभी अंदर आपको मशीन का कवर दिखाया, जिस टी शर्ट से मैंने वो बनाया हुआ है उसका ये नेक पोर्शन है, ये देखिए। और मेरा मन इसको बिल्कुल भी फेंकने का नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने फ्रेंड्स चारों तरफ से सिल दिया। अब जैसे कि विंटर्स आती हैं तो इसके अंदर देखिए मेरा लोटा दही अगर मुझे जमाना हो तो मैं इसको लोटा जो है इसके अंदर डाल सकती हूँ ऐसे। और सच मानिए, आजकल अप्रैल मंथ चला है, दही नहीं जम रहा है, तो मैं इसके अंदर अपना जो लोटा है या डोंगा है वो यहाँ से डाल दे रही हूँ, और ना तो कीट पतंगे लगते हैं ना कुछ। और ऐसे को रख के ये मैंने बना दिया उस चीज़ के लिए, दही जमाने के लिए कवर बन गया हुआ है, बहुत अच्छा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये है मेरे बेटे की टी शर्ट, हाउस टी शर्ट है, स्कूल का लोगो भी आपको दिख रहा होगा। ये मेरा जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो इसके लिए मैंने इसको काटा और कुछ नहीं किया हुआ है। देखिए नीचे से जैसी थी वैसी ही है, साइड से सिलाई दी हुई है, ऊपर से, चारों तरफ से, और बहुत अच्छा कवर जो है वो मेरे कंप्यूटर की उसके लिए बन गया है। और इतना मजबूत है ये और पूरा फिटिंग में है, ये देखिए कितने अच्छे से कवर हो गया। तो एक बनाया मैंने ये टी शर्ट काट के। अब मैं आपको दिखाऊंगी लैपटॉप के कवर्स। ये था मेरे पास पिलो कवर, गोल तकिए का कवर था मेरे पास ये, तो इससे बना दिए हुए हैं मैंने दोनों बच्चों के लैपटॉप के लिए कवर। तो देखिए ये कितना इजी है, ये मेरे बेटे का लैपटॉप है, इसको मैं
इसको ऐसे को डालते हुए ये देखिए, तो जितना मेरे पास वेस्ट मटेरियल था ये बनाया हुआ है मैंने उन चीज़ों से, और डिज़ाइन भी कितना सुंदर आ रहा है। जो इसको मैंने लॉक नहीं किया हुआ है यहाँ से, क्योंकि वो बार बार निकालता है। तो इस तरीके से आप भी अपने लॉकडाउन पीरियड को जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और एक और चीज़ बच गई, उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा प्रेस का टेबल। तो जो ये पहले था, तो ये सिंपल सा टेबल है। ये मेरे पास घर के पुराने कर्टन थे, मैंने कर्टन को काट के जो है अपने चारों तरफ से अपने टेबल के लिए कवर बना दिया। सिंपल सिलाई दी हुई है, सिलाई को इकट्ठा किया, चुन्नटें पड़ गई ऊपर और नीचे, ये मैंने लटकन लगा दी इसको ऐसे झालर, और ये इसका सरफेस हो गया। तो ये भी मैंने इसी क्वारंटीन पीरियड में किया हुआ है, और इसने मेरे टेबल को चार चांद लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैंने दिखा दी अपनी बनाई हुई चीज़ें। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कभी मत भूलना क्या, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।